लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है नजरिया। कि आपका दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का नजरिया कैसा है, क्योंकि जैसा आपका नजरिया होगा वैसे आपको ये दुनिया दिखेगी। तो आपको उस नजरिए को बदलना होगा, नहीं तो ये दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देगी जैसे अभी आप देख रहे हैं। और सफलता में इसका एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसा चश्मा आप लगाते हैं ये दुनिया आपको वैसे ही दिखती है। तो एक बार हुआ यूं कि एक बहुत ही बड़ी जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी थी, उसने अपना एक टॉप का सेल्स एग्जीक्यूटिव बहुत ही पिछड़े इलाके में भेजा, जहां पर लोग जूते चप्पल नहीं पहनते थे और बहुत ही ज्यादा पिछड़ा इलाका था, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अब वो सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसे ही बस से उतरा, उसने देखा कि यहां तो किसी भी व्यक्ति के पैरों में जूते चप्पल है ही नहीं। तो वो घबरा गया, वो परेशान हो गया और उसने अपने बॉस को कॉल लगाया और कहा कि बॉस मैं वापस आ रहा हूं, मेरी टिकट वापस की करवा दो। बॉस ने कहा क्या हो गया भैया, क्यों वापस आना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया यहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, तो मैं जूते चप्पल बेच कैसे पाऊंगा, तो मैं तो वापस आ रहा हूँ, यहाँ जूते चप्पल बिक ही नहीं सकते। अब बॉस ने उस व्यक्ति को वापस बुला लिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद एक नया सेल्समैन आया, उसको वहां पर भेजा गया। उसे कहा गया कि जाओ एक पिछड़ा इलाका है और वहां पर जाकर जूते चप्पल बेचने की कोशिश करो। जब वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा, जैसे ही बस से उतरा, उसने अपने बॉस को फोन लगाया और कहा कि बॉस जितने भी कंपनी में जूते चप्पल है सारे के सारे भेज दो, जितने भी है सारे के सारे भेज दो। बॉस ने कहा अरे रुको रुको, हो क्या गया है, तुम पहुंच गए? उसने कहा हाँ मैं पहुंच गया हूं और जितने भी जूते चप्पल है हमारी कंपनी में सारे के सारे यहां पर भेज दो, क्योंकि जितने भी है सारे के सारे बिक जाएंगे। बॉस ने कहा अरे भाई ऐसे कैसे बिक जाएंगे? तो उसने कहा कि यहां पर किसी के भी पैरों में जूते चप्पल नहीं है, हमारे जितने भी जूते चप्पल है सारे के सारे बिक जाएंगे। और वाकई में ऐसा ही हुआ। तो अब सोच कर देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। पहले व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, तो फिर जूते चप्पल बिकेंगे कैसे? लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि देखो यहाँ किसी के पैर में भी जूते चप्पल नहीं है, मतलब सारे के सारे जूते चप्पल बिक जाएंगे। तो ये जो सारा का सारा अंतर है वो है आपके नजरिए का, कि पहले व्यक्ति ने किस प्रकार से सोचा और दूसरे व्यक्ति ने किस प्रकार से सोचा। तो अभी आप सोचिए कि आपका नजरिया कैसा है, पहले व्यक्ति जैसा है या फिर दूसरे व्यक्ति जैसा है। तो यदि वाकई में आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदलना चाहते हो, तो अपने मेहनत के साथ साथ अपने नजरिए को भी बदलो। जब आपका नजरिया बदलेगा तो अपने आप आपकी दुनिया बदलेगी।